हम हैं दबंग एक शाबाशी है इस धरती के असली दबंगों को, जिन्होंने अपनी मातृभूमि का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। बिहार की इस सड़क पर तेज रफ्तार से भागती गाड़ियां निश्चय ही इस राज्य में विकास की तेज रफ्तार की कहानी बयान करती हैं। लेकिन सामाजिक भेदभाव और आर्थिक असमानता की वजह से समाज के कुछ समुदाय इस दौड़ में कहीं पीछे छूट गए हैं। समाज का ये पिछड़ा वर्ग आज भी गरीबी, छुआछूत, अशिक्षा और कुपोषण का बोझ उठाए दयनीय जीवन बिताने को मजबूर है। लेकिन हमारे समाज में जहाँ छुआछूत और जात पात जैसी कुरीतियाँ हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। सुधा वर्गीस एक ऐसी ही समाज सेविका है जिन्होंने अपना सारा जीवन मुसहर समुदाय के कल्याण में समर्पित कर दिया। केरल के एक बहुत ही समृद्ध परिवार में पली सुधा 1965 में बिहार आई। 21 सालों तक मुसाहरों के बीच रहकर उनके उत्थान के लिए काम किया। उनके इस निस्वार्थ सेवा और प्रेम ने उन्हें सुधा वर्गीस से सुधा दीदी बना दिया। सुधा ने नारी कुंजन नामक स्वयंसेवी संस्था की शुरुआत की, जो पिछड़ी जाति की लड़कियों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी देती है, ताकि ये लड़कियां समाज में सर उठाकर जी सकें। दलित महिलाओं या अत्यंत पिछड़ी जाति के महिलाओं के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं है। शिक्षा से हम उनको उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रेरणा देते हैं, सिखाते हैं। आज नारी कुंजन की 50 से भी अधिक शाखाएं हैं, जो बिहार के अलग अलग हिस्सों में दलितों के उत्थान के लिए कार्यरत हैं। साल 2006 में भारत सरकार ने सुधा वर्गीस को समाज कल्याण के इस महान कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और सुधा दीदी का इनके प्रति प्रेम और समर्पण दोनों ही किसी भी पुरस्कार और सराहना से परे है। अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के माध्यम से देश का गौरव बढ़ाने के लिए दबंग चैनल सुधा वर्गीस को ये सम्मान पत्र देते हुए गौरवान्वित महसूस करता है। हम में है दम, हम है दबंग।